हेलो गाइस, इंडिया में आज के डेट में आप देख रहे होंगे कि 300 सीसी के रेंज की मोटरसाइकिल्स काफ़ी ज़्यादा बिक रही हैं। पहले के मुकाबले इसका रेंज और सेल्स जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है। लोग 200-250 सीसी या फिर 300 सीसी की मोटरसाइकिल्स लेना बहुत पसंद कर रहे हैं, खासकर स्पोर्ट्स सेगमेंट में। कारण भी है कि हमारे यहाँ की सड़कें अब काफ़ी अच्छी हो गई हैं और 200 मतलब आप समझ रहे हैं कि 200-250 सीसी का सेगमेंट का बाइक कितना आज के डेट में इंपॉर्टेंट हो गया है लोगों के लिए, ताकि वो 60-100 के स्पीड में आराम से रोड पे बाइक को चला सके और प्लस स्मूथ इंजन भी हो। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा हायर सीसी सेगमेंट मोटरसाइकिल चाहिए ही चाहिए होता है। तो हमारे सामने खड़ी है होंडा की 300R, यानी कि सीवी सीरीज की आती है CV 300R, और ये मोटरसाइकिल अपने सेगमेंट में काफ़ी अच्छा स्पोर्ट्स लुक बाइक है। प्लस इसका वजन जो काफ़ी अच्छा आता है, तो सिटी ड्राइव के लिए, हाईवे ड्राइव के लिए काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है, जो कि 145 kg का इसका वेट है, कर्व वेट, जो कि बहुत ही इसको लाइट वेट मोटरसाइकिल बनाता है 300 सीसी में। मतलब बहुत सारी मोटरसाइकिल्स लाइट वेट है, लेकिन ये साइज कॉम्पैक्ट, ये अगर इस मेजरमेंट्स इसको देखा जाए तो काफ़ी हल्की है। इवन इसको हैंडल करना भी काफ़ी आसान है। लोकल स्ट्रीट्स रोड पे काफ़ी ज़्यादा जल्दी जाम से बाहर निकलने के लिए इसका जो हैंडलिंग है वो भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस मोटरसाइकिल के बारे में मैं आपको पहले थोड़े स्पेक्स बता देता हूँ, फिर मैं चलूँगा ऑन रोड और हाई, मतलब रोड पे चलाने के दौरान आपको अलग अलग RPM पे कितने स्पीड में चल रही है, कितना स्मूथ है, क्या गियर डिमांड है और क्या इसका माइलेज है, वो सब कुछ हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप इसके लुक के अगर ध्यान दीजिएगा, तो इसका लुक ऐसा बनाया गया है, जैसे कि आप अगर ध्यान देते हैं तो यहाँ पे जो टैंक का डिज़ाइन है वो सीट का और टैंक का लगभग बराबर यहाँ पे डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है, कि इतना दूर आपका टैंक मिलता है और सेम इतना डिस्टेंस आपका यहाँ पे सीट का दिखाई देता है। अब ये जो है इसको सेंटर बैलेंस के लिए काफ़ी अच्छे बनाती है। तो अगर आप शार्प कट लेते हैं मोटरसाइकिल राइडिंग के दौरान, तो उसमें ये काफ़ी ज़्यादा बैलेंस जो है वो इम्प्रूव करके यहाँ दिखाती है। जब फ्रंट से रियर तक अगर देखेंगे तो सबसे अच्छी बात यहाँ पे दिखाई दे कि आपको यहाँ पे अपसाइड डाउन फॉक्स मिल जाते हैं, जो कि अच्छी बात है। डुअल चैनल ABS मिल जाता है, वो भी अच्छी बात है। 300mm का यहाँ पे आपको डिस्प्ले मिल जाता है, और ये डिस्प्ले लगभग 296mm का है, मतलब 300mm आप बोल सकते हैं। और यहाँ पे जो टायर मिलते हैं वो 110 सेक्शंस के हैं। रियर में आपको जो टायर मिलते हैं, जो हमारी डिमांड होती है, वही टायर यहाँ पे है। तो यहाँ पे आपको मिलता है 150-160-R17 का आपको टायर मिलता है, तो 150 सेक्शन का आपको टायर मिल जाता है, जिससे रोड ग्रिप की कहीं कमी नहीं मिलेगी। MRF के RevZ सीरीज रेडियल ट्यूबलेस टायर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और इसकी ग्रिप भी काफ़ी अच्छी है, चलाने में कोई भी यहाँ पे टायर के मामले में, सेंटर बैलेंस के मामले में कमी नहीं है। स्पेक्स आपको यहाँ पे मैंने बताया, 9.5 लीटर का लगभग फ्यूल टैंक मिल जाता है, इंस्ट्रूमेंट कंसोल और सभी चीज़ें जो इसमें एक आप बोल सकते हैं। प्लस इसके इंजन में आपको मिल जाता है स्लीपर क्लच, 6 गियर ट्रांसमिशन, 30 BHP की पावर, 27.5 Nm का टॉर्क एंड स्लीपर क्लच के साथ आती है, लिक्विड कूल्ड इंजन है। और ये लिक्विड कूल्ड इंजन के साथ आप देखिए इसका फ्रेम कितना अच्छा सटीक, क्योंकि ये बाइक जो है वो काफ़ी ज़्यादा चली हुई है। तो चली हुई बाइक को मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। अगर आप पटना में भी होंडा की कोई मोटरसाइकिल देखना चाहते हैं तो अलंकार होंडा बिग विंग सर्च कर सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगी कि ये मोटरसाइकिल जो है वो टेस्ट राइड वाली है, इसको बहुत लोगों ने चलाया है। और यहाँ पे हम देखें तो इस तरह से इसका इंजन डिज़ाइन है। यहाँ पे आपका रेडिएटर जो है आगे का लगाया गया है, प्लस यहाँ पे सारे कूलेंट का और सब कुछ यहाँ पे इस तरह से सेटअप जो है आपको देखने को मिलेगा। और ये मोटरसाइकिल में आपको जो है जो लाइट्स मिलती है वो काफ़ी अच्छी है यहाँ पे, जैसे कि मैंने सिर्फ यहाँ पे की ऑन किया तो आपको यहाँ पे DRLs ऑन हो जाते हैं। अगर हम इस मोटरसाइकिल को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के बाद आप देखेंगे तो पूरा हेडलाइट जो है वो वहाँ पे आपको ऑन दिखाई देगा, और लाइट के थ्रू बहुत ही अच्छी है, रात के रोशनी में भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए इस मोटरसाइकिल को राइड करते हैं, और राइड के दौरान आपको बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में बताते हैं कि ये मोटरसाइकिल कैसी चलती है और आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो सबसे पहले बाइक के इंजन साउंड से स्टार्ट करते हैं, तो इंजन का आप साउंड सुनिए। चलिए अब आगे चलते हैं, और आपको यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं नदी किनारे में हूँ, तो मैं टेस्ट कराता हूँ आपको इसके शॉकर कैसे काम करते हैं। फर्स्ट गियर पे बहुत ही स्मूथली यहाँ पे हमने आगे निकाल लिया है। RPM जो मेंटेन रहती है वो काफ़ी स्मूथ RPM मेंटेन रहती है। तो और आगे चलते हैं, और ऑफ रोड में पहले आपको मैं यहाँ पे ऑफ रोड के बारे में हम जानेंगे। तो ऑफ रोड में देखिए ये बाइक जो है वो मैं फर्स्ट गियर पे ही रखूँगा और RPM भी काफ़ी स्मूथ रखूँगा। मीटर कंसोल भी आप देख रहे होंगे कि कितने के स्पीड में चल रही है। तो मैं बिल्कुल नदी के किनारे हूँ, और यहाँ पे ये बालू है सारा, तो हैंडल पे बहुत ज़्यादा वजन नहीं है कि बहुत ज़ोर से हैंडल यहाँ पर जो है वो आपको पकड़ना पड़ रहा है।
तो एक स्मूथ, यानी कि दिन भर अगर इस बाइक को आप अगर आप ऑफ रोड ऑन रोड पे भी चलाते हैं तो हाथ में आपको किसी तरह की दर्द यहाँ पे नहीं होने वाली है। बाइक बहुत हल्की महसूस होती है इन टर्म्स ऑफ अगर हैंडलिंग यहाँ पे, जैसे कि मैं पकड़ के चला रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़ोर से हैंडल जो है वो ऑफ रोड में पकड़ना पड़ रहा है, आप आराम से पकड़ सकते हैं। चलिए मैं डीप बालू में भी लेके चलता हूँ आपको, तो बालू में समझ में आएगा कि और कैसी ये चलती है। ऐसे आप देख रहे होंगे मैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वहाँ से हल्का स्मूथ रास्ता बनाया गया है, फिर भी मैं यहाँ पे हल्का ज़्यादा टफ रास्तों पे लेके चल रहा हूँ। मैंने एक्सलेटर भी नहीं लिया है, ये इसका ऑटोमेटिक आरपीएम जो मेंटेन कर रहा है वो चीज़ें हैं, हल्का सा अभी मैंने लिया। तो ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और सेकंड गियर ये सब तो आरपीएम बहुत अच्छी मेंटेन कर रही है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। आप देखिए इंजन का साउंड भी बहुत ज़्यादा नहीं है, और जो लोअर सेगमेंट जो अभी कम आरपीएम है, लगभग 2000 के आरपीएम पे मैं चला रहा हूँ, तो यहाँ पे इंजन का साउंड नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं ये बोलना चाहूँगा कि बाइक के इंजन में किसी तरह का वाइब्रेशंस भी नहीं है, जो अभी मेरे पैर पे जो है वो लोअर स्पीड्स में, या फिर जो एक पिस्टन का साउंड होता है, एक पिस्टन का फील आता है कि हाँ कुछ वाइब्रेशंस आ रहा है, वैसा कुछ अभी तक महसूस नहीं हो रहा है बेसिकली देखा जाए तो। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही ज़्यादा बालू है, इस बालू पे मैं इस बाइक को जो है वो चढ़ाता हूँ, फर्स्ट गियर पे ही हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा आरपीएम रेव नहीं करूँगा। तो 150 सेक्शन के सही सच में जो टायर है वो सही में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, और इतने ज़्यादा होने के बावजूद भी मैंने 3000 आरपीएम एक बार ही टच किया, उसके बाद मैं 2000 आरपीएम के साथ आराम से जो है आगे जा रहा हूँ, और बाइक पे मेरा बहुत ही अच्छा बैलेंस अभी मुझे महसूस हो रहा है। थोड़ा सा और बालू का क्रॉस ओवर देखते हैं हम, तो हैंडल आप देखिए कितना स्मूथ है, लगभग 1200-1300 आरपीएम है बाइक का। वर्थ इट है, कोई बाइक स्लिप नहीं कर रहा है, कोई भी टायर जो है वो स्लिप नहीं कर रहा है, और मैं बहुत भारी हाथों से मैंने नहीं पकड़ा है यहाँ पे, आप दिखा दो, मैं एक हाथ से निकाल सकता हूँ इसको, बालू से एक हाथ से इसको मैं क्रॉस करा सकता हूँ, इतना आसान और इतना स्मूथ हैंडलिंग आपको इसमें देखने को मिलता है। तो अब बाइक को रोड पर लेके आ चुका हूँ मैं, और देखते हैं इसका पावर जो है 30 पीएस का 27.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क है वो कैसा काम करता है। तो बिल्कुल रॉकेट की तरह जो है शुरुआत में आपको लगेगा, जैसा आप अगर फुल थ्रॉटल 6-7000 आरपीएम को आप अगर टच करते हैं तो यहाँ पे मतलब फ्रंट व्हील इसका उठाना तो बहुत ही आसान है, बाय द वे अदरवाइज ये जो है रॉकेट की तरह जो है काम करना शुरू कर देता है। कंपनी क्लेम करती है, और जैसा कि मैं अभी चला रहा हूँ तो 6.2 सेकंड्स में ये 0-100 का स्पीड जो है वो कवर करती है। तो आप अगर फुल स्पीड में कहीं जाना चाहते हैं तो स्पीड आपको इसमें बहुत अच्छा मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल एक्टिवेटेड रहता है, तो अगर आप ज़्यादा स्पीड्स पे हल्का सा कॉर्नरिंग लेते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, यानी कि मतलब थोड़ा सा बैलेंस होने की कोशिश करते हैं, तो इवन बाइक आपको सपोर्ट करती है। डुअल चैनल एबीएस मिलता है, तो जैसा इसमें पिकअप है, पावर है, उसी के साथ साथ डुअल चैनल एबीएस के साथ आपको एक सपोर्ट भी अच्छा मिलता है कि जब आप ब्रेक लगाते हैं तो बाइक कंफर्टेबल होकर रुकती है, वो चीज़ मिलता है। तो आप जब भी ओवरटेक करना चाहिएगा तो जैसे मैं 6th गियर से ही बाइक को खींचना शुरू कर रहा हूँ, तो 6th गियर के साथ ही ये जो है वो शुरुआत कर देती है। मतलब एक मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपको गियर डाउन करने हैं, अगर आप 60 के स्पीड में हैं, 6th गियर हैं, तो वहीं से आपको बाइक जो है फुल थ्रॉटल पे फुल रिस्पॉन्स यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे गियर डाउन करूँ लाइक दिस, तो ये और ज़्यादा जो है वो आपको रिस्पॉन्स देना शुरू कर देती है, जैसा कि रिस्पॉन्स एक हम 300cc की मोटरसाइकिल से डिमांड करते हैं। मैंने इसका फुल टॉप स्पीड तो यहाँ पे चेक नहीं किया क्योंकि यहाँ पे हमारे पास उस तरह के रोड्स हैं नहीं, बट ये फुल टॉप स्पीड आपको तुरंत दे सकती है, लाइक 160 का जो टॉप स्पीड आपको इसमें मिलता है वो आपको बहुत ज़्यादा समय यहाँ पे नहीं लगने वाला है कवर करने के लिए। तो जो मैंने एक बताया किया है कि आपको रॉकेट टाइप की एक मोटरसाइकिल चाहिए जो कि सीसी सेगमेंट में अच्छी हो, बट सीसी सेगमेंट के साथ साथ उसमें पावर भी अच्छा हो और बहुत हैंड के मतलब हाथों की बहुत अच्छी पकड़ में हो, तो वो चीज़ यहाँ पे आपको मिलती है।
कंपैरिजन करेंगे अगर इसकी ऑन रोड प्राइस की, तो आपको 270 के आसपास, 280 के आसपास आपकी ऑन रोड प्राइस आती है। अगर आप नॉर्मली अगर आप 150 cc की MT-15 लेते हैं, मतलब एक समझिए बात, तो आपको कितने रुपये वहाँ पे ऑफ करने पड़ते हैं, वहाँ पे आपको लगभग लग जाता है कि 1-2 लाख 10 हज़ार रुपये देने होते हैं। उससे अगर आप 60-70 हज़ार रुपये और देते हैं, तो MT-15 का 135-140 जो है वो टॉप एंड है, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद उस टॉप स्पीड को हम अचीव कर पाते हैं। बट ऑन द सेम टाइम इस मोटरसाइकिल को अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो इसको एक स्मॉल थ्रॉटल पे, मतलब इनिशियल थ्रॉटल्स पे ही आप इस स्पीड को कवर कर लेते हैं। तो मतलब एक रेसर के लिए तो ठीक है, और उसके अलावा जो हम देखें तो एक नॉर्मल पर्पज़ पे भी आप इसको चलाते हैं तो सिटी रोड्स में आपको बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल यहाँ पर फील कराती है। और जो सीटिंग पोस्चर एक हमें मिलना चाहिए, मुझे तो लग रहा है कि मैं नॉर्मल बाइक्स पे एक स्पोर्ट्स बाइक चला रहा हूँ, तो सीटिंग पोस्चर ही मुझे इसमें काफ़ी अच्छा मिल रहा है, तो चलाने में भी बहुत मज़ा आ रहा है। और बहुत सारी मोटरसाइकिल्स में जब आप 100 की स्पीड के आसपास का अगर क्रूज़ करते हैं, तो उन मोटरसाइकिल्स में ये हमेशा दिक्कत लगी रहती है, जैसे कि लगता है कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है। लेकिन इस मोटरसाइकिल में अगर 100 की स्पीड में यहाँ पर मैं बाइक चला रहा हूँ, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं लग रही है चलाने में, लग रही है कि हाँ नॉर्मल स्पीड है, इतना भी तेज़ नहीं है जितना एक लगता है 200 cc सेगमेंट, 250 cc सेगमेंट की मोटरसाइकिल जो आज की डेट में इतनी महंगी हमें दिखाई दे रही है, उसके सामने अगर इस मोटरसाइकिल को रखा जाए, तो ये मुझे दिखाई देता है कि इन स्पीड से ये मोटरसाइकिल बैलेंस्ड है। रॉकेट की तरह जो है शुरुआत जो है वो इनिशियल पिकअप, क्योंकि 30 bhp के स्पोर्ट्स बाइक में आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, तो एक रॉकेट वाला जो फील है वो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा cc सेगमेंट के अनुसार अगर देखें तो। और 286 cc के इंजन के साथ आपको माइलेज जो है यहाँ पे आपको 30-35 kmpl के आसपास का आपको माइलेज मिल पाएगा, और ये माइलेज आप 0-100 के स्पीड के बीच में चलाइएगा तो मिलेगा। अगर आप 140 बहुत ज़्यादा लगातार चलाते हैं तो 30 के आसपास मान सकते हैं, और 35 अगर आप इसको नॉर्मली आराम से चलाते हैं तो आपको 35 के स्पीड के आसपास का भी आपको माइलेज यहाँ पे मिलेगा। तो माइलेज भी आपको लगभग जो एक आज के रेट में तो लगभग 30 के आसपास, 40 के आसपास जो है वो नॉर्मल माइलेज चल ही रहा है, सभी लोग दे रहे हैं। जैसे कि अगर आप 150 cc सेगमेंट में भी जाते हैं तो आपको 40-45 क्लेम किया जाता है, उसी तरह यहाँ से जो आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको लगभग 30-35 का माइलेज जो है आपको देखने को मिलेगा। तो आप माइलेज के रेशियो से भी जितने पावर ये बाइक आपको डिलीवर कर रही है, उस पावर रेंज से ये माइलेज आपको यहाँ पे सही प्रोवाइड कर दे रही है। अब बाइक का इंजन साउंड और वाइब्रेशंस, इंजन साउंड एंड वाइब्रेशंस की बात करें तो बाइक में अभी मैं लगभग 90 के स्पीड में चला रहा हूँ, दोनों पैर मैंने जम के यहाँ बैठाए हैं, ऐसा कुछ महसूस, मतलब बहुत भारी महसूस नहीं हो रहा है कि बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस है, जो स्पीड का एक थ्रो है वो महसूस हो रहा है, लेकिन वाइब्रेशंस नहीं लग रहा है। मैं थोड़ा सा स्पीड इसको और देता हूँ, लाइक मैंने 110 दिया, लगभग 110 तक भी उतना ज़्यादा वाइब्रेशंस नहीं है, जो एक स्पीड का थ्रो है पैरों पे वो ज़रूर आपको लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं लगेगा, एक वाइब्रेशंस होता है जो एकदम जैसे मोबाइल ऐसा आपको फील करा दे कि आपका मोबाइल जो है वो बज रहा है, यानी वाइब्रेट कर रहा है, तो उस टाइप का कोई वाइब्रेशंस यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलता है, आपको एक नॉर्मल वाइब्रेशंस देखने को मिलता है जिससे आप आराम से ऐसा मतलब वाइब्रेशंस नहीं बोल सकते, एक नॉर्मल वाइब्रेशंस तो है, जीरो नहीं है लेकिन एकदम नहीं है ऐसा भी नहीं बोल सकते। तो ये था मेरा इस मोटरसाइकिल का कंप्लीट रिव्यू, आपको मैंने हर तरीके से इस बाइक के बारे में बताया। तो अगर आप इस मोटरसाइकिल को खुद से टेस्ट राइड लेना चाहते हैं तो अलंकार होंडा बिग विंग पटना जो है आप सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, उस पर आप कॉल करिए, बात करिए, खुद जाके टेस्ट राइड लीजिए, और मुझे भी कमेंट में बताइए कि आपको ये मोटरसाइकिल कैसी लगी और चलाने में कैसी लग रही है, और मेरा रिव्यू कैसा लगा, दोनों ही ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, थैंक यू।